You cannot see? I mean, no, ma'am. No, ma'am. You cannot see? Yes, ma'am. सबको दिखाई दे रहा है ना? This is assessment two. Okay. This is assessment two, chapter 6 to 10. तो मिस ने ऑलरेडी आपको चैप्टर 6 to 10 मतलब पूरा EVS पढ़ा चुका है. तो अभी ये वाला चीज़ है, ये रिवीजन वर्क है जो हम लोग को करना है. आपको अकेले करना है, बट स्टिल मिस ने आपके लिए लिख के दिया ताकि आप पढ़ सके. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम फोर प्लेसेस दैट यू सी इन योर नेबरहुड. नेबरहुड मतलब क्या है? तुम्हारे घर के आस पास में क्या क्या चीज़ें हैं. तो यू हैव अ स्कूल जो आप पढ़ने जाते हैं. ग्रीन ग्रॉसर मीन्स व्हाट? जो सब्जी बेचते आते हैं आपके गली में या आपके घर के पास जो सब्जी बेचते हैं. नंबर थ्री इज अ बैंक वेर यू कीप योर मनी, वेर यू सेव योर मनी, जहाँ पैसे रखते हैं. एंड द नंबर फोर इज अ पार्क जहाँ आप लोग खेलने जाते हैं या इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं. सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स. ए डैश मैंस आवर शूज मीन्स व्हाट? कौन हमारा जूता सिलाई करके देता है? कॉबलर. सेकेंड क्वेश्चन इज पुलिस ऑफिसर्स प्रोटेक्ट आस फ्रॉम. पुलिस लोग हमें किस चीज़ से बचाते हैं? चोर लोगों से बचाते हैं ना. तो चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थीव्स. द थर्ड क्वेश्चन इज द डॉक्टर वर्क्स इन द. डॉक्टर कहाँ पे काम करते हैं? हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट ए डैश स्टिचर्स आवर क्लोथ्स. हमारे कपड़े कौन सिलाई करके देते हैं? टेलर. नंबर फाइव इज ए फार्मर ग्रोज डैश. तो फार्मर लोग क्या करते हैं हमारे लिए? क्रॉप्स मतलब चावल वगैरह उगाते हैं, गेहूं वगैरह. तो दिस विल बी अ क्रॉप्स. Write true for T and F for false. Okay, the first question is we need food to live, grow and stay healthy. Khana kis liye chahiye hame taki hum reh sake ya fir hamara jo sharir hai wo bada de ya fir hame acche khase rakhe. So your answer will be true. क्वेश्चन नंबर टू, कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स. कच्चा हाउसेस क्या है? जो गांव के घर में, जो गांव में घर बनते हैं वो तो कच्चा हाउसेस, जो मिट्टी और क्या, व्हाट इज दैट, मिट्टी और क्या चीज़ से बनते हैं? बम्बू वगैरह से जो बनते हैं वो तो कच्चा हाउसेस में आता है. तो कच्चा हाउसेस तो सीमेंट और ब्रिक्स से नहीं बनता. तो योर आंसर विल बी फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव थ्री मील्स इन अ डे, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. तो एक दिन में हम कितने मील्स खाते हैं? एक तो सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को लंच करते हैं, फिर रात को डिनर करते हैं. सो ये आंसर विल बी ट्रू. वी शुड ईट जंक फूड. हमें जंक फूड खाना चाहिए. जंक फूड मीन्स व्हाट? जो चाउमीन है, बर्गर है, जो बाहर के खाने, वो खाना अच्छा होता है, वो ज़्यादा खाने से नहीं होता है ना. सो वी शुड राइट यर फॉल्स. ब्रेकफास्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अच्छा, ब्रेकफास्ट सुबह का जो ब्रेकफास्ट, जैसे तुम लोग दूध पीते हैं, कॉम्प्लेन पीते हैं, अगर तुम लोग नहीं पियोगे, नहीं खाओगे तो अच्छा रहेगा. तुम्हारा पेट का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेट अगर खाली होने से तो पेट पर गैस फॉर्म हो जाता है. सो हमें कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, कभी भी ब्रेकफास्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्रेकफास्ट खाना चाहिए. सो यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रेकफास्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन यहाँ पे कि ब्रेकफास्ट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है. सो इट विल बी फॉल्स. द सिक्स क्वेश्चन इज क्लोथ्स कवर आवर बॉडी एंड कीप्स अस वार्म. अच्छा, कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हमें ठंड से बचाएं, बारिश से बचाएं, गर्मी से बचाएं. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. नाउ डी क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स गिवन बिलो. तो ये जो फूड आइटम्स है, जो पिक्चर है,
ये आपको पिक्चर देख के नाम बताना है। तो फर्स्ट वन इज एग्स, फिर आता है रोटी, फिर आता है ब्रेड, देन कम्स फिश, देन चिप्स, देन एप्पल्स, केक, वाटरमेलन, आइसक्रीम एंड कैरेट्स। सो दिस इज योर वर्क, यू हैव टू राइट इट डाउन इन द एक्सरसाइज बुक। आपको सिर्फ ये बुक में ही लिखना है, इसी पेज में आपको लिखना है और कोई कहीं नहीं लिखना है। द नेक्स्ट इज यस, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, यू विल बी लाइकिंग इट। ये होमवर्क आपको बहुत पसंद आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट अ बिट स्मॉल। सो दिस इज अ गर्ल नेम सना। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू हेल्प सना टू गो टू द मार्केट, देन यू हैव टू लाइक उसको रिटर्न बैक करना है पार्क तक। मीन्स क्या है, सना को आपको हेल्प करना है, उसको मार्केट तक पहुंचाना है, फिर मार्केट से आपको रिटर्न बैक करके उसको पार्क तक लेके आना है। सो इट्स वेरी इजी। सी यहाँ से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यर सना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यर, देन यर, देन यर, देन यर यू रीच द मार्केट प्लेस, देन बैक थ्रू द पार्क। नाउ हाउ यू विल कम बैक थ्रू द पार्क, यू कैनॉट कम बैक अगेन ना, ये तो गलत हो जाएगा। अगर तुम यहाँ से फिर से रिटर्न करोगे तो रॉन्ग हो जाओगे। सो मार्केट खत्म, फिर यहाँ से आके पार्क खत्म। सो दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, यू डू इट बाय योर सेल्फ। नाउ दिस पार्ट इज ओवर। नाउ डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन? If yes, please write in the chat box. अगर कोई doubts है, confusions है, parents please chat box पे type कीजिए. So you don't have a confusion? No ma'am.